So yeah, welcome everyone to the fifth edition of our long version of us talking about random topics. संविता ने प्रथमेश का नाम लिया तो आई एम नॉट श्योर संविता को लगता है कि प्रथमेश सॉर्टेड है या प्रथमेश को पक्का क्राइसिस हुआ होगा, तो दैट विल फाइंड आउट. मेरे को ऐसे अपने एग्जांपल दिखते अपने रिश्तेदारी में कि बैठे हैं किराना दुकान लगा के और मस्त घर पे रह रहे, खा रहे पी रहे और क्या सगळ्यांचं बारसं आणि सगळ्यांचं काय सगळं अटेंड करता है. आई वॉन्ट टू डू दॅट. तो ऐसे लगता है कभी कभी, एक तो इतना दूर आ गए यूके वगैरह फुकट में, तो ऐसे लगता है यार क्यों ही इतना, यानी मेरे को पानीपुरी खानी है यार ऐसे बाहर जाके, नहीं नहीं चाहिए इतना पेन मुझे, तो वो बहुत बार लगता है. बट आई थिंक यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू. सो अंकित छाबरा इज अ वीएनआईटी एलुमनस एंड आई थिंक दोज हु डोंट नो एटलीस्ट फ्रॉम वीएनआईटी शुड चेक आउट हिज प्रोफाइल की आई थिंक उसने एक मेल भेजा था कुछ सांझी सिखिया करके, इसमें ही वॉलंटियर्ड एंड नाउ ही इज लीडिंग हिज ओन आई थिंक लर्न लिव लीड लव एंड मतलब वो तो जो हम टाइम पास में कर रहे हैं आई थिंक इज डूइंग इट ऑन अ फुल टाइम बेसिस. ही इज एक्चुअली मेंटरिंग पीपल, तो इफ एनीवन नीड्स हेल्प टू रीच आउट टू हिम. एंड सुपर गाय, मतलब आरओई में भी हम हमारा तो फर्स्ट ईयर था तो हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट वो लाइक यू सी सम सीनियर्स एंड यू सी केयर इनका ये तो काफी सही है. सो छाबरा इन दिस वे हैज बीन आई थिंक वे अहेड ऑफ हिज इयर्स, मतलब इवन ड्यूरिंग कॉलेज जब काफी लोग बस कल्चरल फेस्टिवल या प्लेसमेंट या पैकेज की बात करते, ही वॉज मोर ऑफ की लाइफ में क्या करना चाहिए. तो अंकित छाबरा इज समवन आई रियली रिकमेंड एटलीस्ट वीएनआईटीएस टू कनेक्ट एंड ऑलवेज अवेलेबल ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं है कि इफ ही डजंट नो यू ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू. तो But say, I personally don't like the term crisis because crisis gives a connotation ki something is inherently wrong, you know, in terms of having that confusion. But I almost feel like it's a blessing to have that confusion because then you just think more clearly. Nagpur is not a metro city. So you are not used to that kind of a feeling ki you are isolated, you are sitting at home. तुमको वो है कि भाई एक कॉल करो, दोस्त आएगा, बात करते हैं, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. बट दैट डजंट हैपन इन ऑल दीज बिग कंट्रीज. सो दैट डिफरेंस यू कैन क्लियरली सी. सो दैट्स अ वेरी बिग क्राइसिस. सिमिलरली टाइम जोन्स डिफरेंस, लाइक 12 घंटे किसको कॉल करूँ या क्यों करना है यार, कैसे होगा, यू जस्ट कीप इट इनसाइड यू एंड देन दैट क्रिएट्स एंग्जायटी. तो ये 12 लाख का पैकेज वाला इज द रॉन्ग बेंचमार्क टू सेट. लोग काफी अलग अलग जगह काफी पैकेज किए एंड दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आल्सो दैट कि 12 लाख का पैकेज. सो लाइक संविता सेड, मुझे लगता था कि संविता के लिए सॉर्टेड है. मेनी पीपल वुड थिंक कि इसका तो सॉर्टेड है कि इसको पता है क्या ब्रांच चाहिए, इसको जॉब भी अच्छा लग गया है, ये क्यों रो रहा है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक कि समवन्स लाइफ इज सॉर्टेड एंड देन द पर्सन हुज लाइफ इज सॉर्टेड ही विल फील कि मैं क्यों रो, मतलब इनके तो अलग प्रॉब्लम्स है तो मैं क्यों, व्हाई शुड आई क्रिप अबाउट माय लाइफ. मतलब हाँ, as keeping with tradition for all podcasts, I have chosen an appropriate background for this one as well, and simplify, like symbolizing life rather. But I would like to disagree on that point. The 10th ka results bahut important there. I mean 10th, 12th ka results. Bhai bahut pressure tha tab. Yani I don't know. Abhi, I mean I don't know. Tab aisa tha ki mujhe ek Nagpur wale guess kar sakte hain Somola Ramdas Pit ka kaun hai is group mein. To represent Merit Factory. The point that मैं बहुत घर जाता था, मेरे को होमसिक बोलो या जो बोलो, मेरे को बहुत ये था कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं है, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है. वो एक्चुअली माय मॉम वाज वेरी एंग्री कि लास्ट के दो पॉडकास्ट में मेरा चेहरा नहीं दिखा. आई मीन शी वाज, हां उसके लिए अपन मॉर्निंग स्लॉट्स नहीं लेंगे, अपन इवनिंग स्लॉट्स लेंगे यूके यूके टाइम जोन्स के लिए. बट तथा आप बोलोगे, आप बोलना. But thank you Shahre Kaku for following us और Vivek को हमने क्या like कीजिए, subscribe कीजिए, comment कीजिए guys, please share कीजिए आपके family friend दोस्तों के साथ, मित्रों please. No wonder Vivek का एकदम काफी एकदम civilized dialogue. हाँ civilized है, that's what I was saying. Yeah. क्या civilized रहा? पहले podcast में इसने इतना गाली मारा था मेरे को कि बहुत edit करना पड़ा था उसके बाद. बाद में उसके बाद जो second podcast है, I guess आंटी ने पहला वाला ही podcast सुन लिया. तो तब से उसके बाद सेकंड पॉडकास्ट में आके उसने अपॉलॉजी दिया सबको पब्लिकली एंड देन फिर बाद में तब से ही इज लाइक वेरी सिविल. ये तो एडिट कर लेंगे बट फ्रॉम कॉलिंग शेम्बो पापा को मम्मी को सब काम करेगी सारे गृह. तो सारे बिकेम वीडियो वर्दी है ठीक है, चला अच्छा पार्ट एडिट होगा.